तो दोस्तों, अगर आपको भी रोसोपा एप्लीकेशन यूज़ करने में और यहाँ पे लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ये प्रॉब्लम कब तक सही हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रोसोपा एप्लीकेशन पर पहले से लॉगिन कर रखा था। अगर मैं यहाँ पर फॉर यू पेज पर वीडियो देख रहा हूँ तो मेरी वीडियो चल रही है, किसी वीडियो पर लाइक करता हूँ तो वहाँ पर लाइक भी हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर किसी वीडियो पर कमेंट करने जाता हूँ या उनके कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके जो कमेंट है यहाँ पे मैं रीड नहीं कर सकता या उन्हें कमेंट नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उन्हें ओटीपी नहीं आ रहा कुछ बंदों को, और यहाँ पे आप देख सकते जिन लोगों ने पहले से लॉगिन कर रखा है उनकी खुद की वीडियो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, मेरी खुद की वीडियो भी यहाँ पे शो नहीं हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जो रोसोपा एप्लीकेशन है उसका सर्वर डाउन हो चुका है, और ये सर्वर मैं आपको बता दूँ 6 बजे से डाउन है। ठीक है, कल 6 बजे से डाउन है और अभी तक यहाँ पे डाउन ही चल रहा है। मैंने रोसोपा एप्लीकेशन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, उन्हें मैसेज भी किया था मैंने, ठीक है, मेल भी किया था और मेल का मुझे रिप्लाई आया। उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द इस जो सर्वर डाउन है उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर है जो एप्लीकेशन को रन करता था वो पूरा क्रैश हो चुका है, हम नया सिस्टम यहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं, मतलब कुछ ऐसा वो कर रहे हैं जो उन्हें करना है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि सिस्टम क्रैश होना या सर्वर डाउन होना यहाँ पे यूट्यूब के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे भाई, यहाँ पे फेसबुक के साथ भी हो जाती है, ट्विटर के साथ भी यहाँ पे हो जाती है। आपने सुना होगा कि भाई फेसबुक ट्विटर डाउन हो गया था, तो ये ज़्यादा यूज़र यहाँ पे रोसोपा एप्लीकेशन में आ चुके हैं। और इस एप्लीकेशन के डेवलपर कॉन्टैक्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गुड़गांव हरियाणा। ठीक है, तो ये गुड़गांव हरियाणा की एप्लीकेशन है मेरे भाई, और ये सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है मेरे भाई, ये कंपनी है, इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एप्लीकेशन है, ये एक मतलब पूरी की पूरी ये मतलब कंपनी है मेरे भाई। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना, और जैसे ही नया अपडेट आता है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा ये एप्लीकेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो प्लीज़ इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लेना, और इस वीडियो को वीडियो पसंद आई आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक भी कर देना। तो पूरी टीम लगी हुई है रोसोपा एप्लीकेशन की, ऐसी कोई बात नहीं है, जल्द से जल्द प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, सर्वर डाउन हुआ है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इतने मिलियन डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं टिकटॉक जैसे ही यहाँ पर बैन हुआ उसके बाद चलना भी बंद हो गया, तो सभी लोग यहाँ पे रोसोपा पे आ रहे हैं और रोसोपा पे अपना अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलियन यूजर आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, रोसोपा एप्लीकेशन ने मेल में सिर्फ मुझे यही कहा है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई, तो लाइक जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।